Myself, Professor Hamdani Rizwana, and in this video, I will explain price discrimination, its meaning and types. सबसे पहले हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग क्या है वो समझेंगे. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फर्क करना, अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना. तो मोनोपोलिस्ट या कोई भी सेलर अगर सेम प्रोडक्ट को, सेम कमोडिटी को, सेम सर्विसेज को डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट बायर्स को सेल करता है तो उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. और अलग अलग प्राइसेस पर अगर वो कमोडिटी को बेचता है तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि कमोडिटी की कॉस्ट अलग अलग है. सेम कमोडिटी है, उसका शेप, साइज, कलर, हर चीज़ एक है, उसकी कॉस्ट एक है, मगर वो डिफरेंट बायर्स को अगर डिफरेंट प्राइसेस पर बेच रहा है, इट मीन्स उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स प्रैक्टिस ऑफ द मोनोपोलिस्ट और एनी सेलर ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट और सर्विस एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स. नाउ कम टू द टाइप्स, एंड बिफोर द टाइप्स लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स बहुत सारी आपको रियल वर्ल्ड में मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोचिंग क्लासेस हैं और उसमें अर्ली बर्ड में आप अपना नाम बुक करते हैं, पहले से फीस भर देते हैं, तो आपको ऑफर्स मिल जाता है. इसी तरीके से जो है वुमेंस डे पर वुमेन के लिए जो है स्पेशल ऑफर्स रहते हैं, और वुमेन के अलावा अगर कोई और ख़रीदेगा तो उनको वो ऑफर्स नहीं रहती हैं. इसी तरीके से टीचर्स डे पर भी टीचर्स के लिए ऑफर्स रहते हैं, उनको बहुत सारी कमोडिटी सस्ते रेट पर मिल जाती है. टीचर्स के अलावा अगर कोई दूसरा उस कमोडिटी को ख़रीदना चाहे तो उसके लिए रेट्स और प्राइसेस अलग अलग होती हैं. इसी तरीके से मिलिट्री पर्सनल के लिए, बिलो द पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों के लिए भी स्पेशल ऑफर्स रहती हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा वो कमोडिटी ख़रीदता है तो उसके लिए रेट्स अलग अलग होते हैं. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. पहली टाइप जो है वो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइसेस या डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट पर्सन्स को. फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर. एक डॉक्टर के पास अगर एक नीडी पर्सन आता है तो उससे कम फीस लेता है, और अगर कोई अमीर शख्स आ गया तो उससे ज़्यादा फीस भी ले सकता है. इसी तरीके से उसका कोई रिश्तेदार आ गया, दोस्त आ गया, कोई पहचान वाला आ गया, तो वो अलग अलग फीस चार्ज करता है, यानी उसकी फीस में फर्क करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है. इसी लिस्ट में शामिल है प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डेंटिस्ट, फोटोग्राफर, इवेंट मैनेजर्स, इलेक्ट्रीशियंस एक्सेट्रा. इस तरह प्रोफेशनल्स अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बेस पर किसी से भी कितना भी चार्ज ले सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं. और एक पर्सन कर रहा है इसीलिए उसे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. द सेकंड टाइप इज लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक सेलर डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस डिफरेंट प्लेसेस पर चार्ज करता है. फॉर एग्जांपल, डंपिंग. डंपिंग में एक कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते में बेचना और डोमेस्टिक मार्केट में अपने खुद के कंट्री में उसी कमोडिटी को महंगा बेचना है. फॉर एग्जांपल, चाइना ने ढेर सारी कमोडिटी इंडिया में डंप्ड रेट पर बेचा है, और चाइना में वही कमोडिटी महंगी है, स्पेशली द टॉयज. इसी तरीके से चाइना जो है मोबाइल खुद के कंट्री में महंगा बेचता है, और सेम मोबाइल जो है वो यूएसए में सस्ता बेच रहा है. इस तरीके से लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्राइसेस पर बेचने को लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. नाउ कम टू द थर्ड टाइप, दैट इज एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन.
ऑन द बेसिस ऑफ एज भी अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट प्राइसेस एक सेलर चार्ज कर रहा है, तो उसे एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट रेट, यंगस्टर्स या एडल्ट्स के लिए अलग रेट, और ओल्ड पीपल के लिए डिफरेंट रेट्स या प्राइसेस. फॉर एग्जाम्पल, बस में या रेलवेज में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट रेट होता है, एडल्ट्स के लिए अलग, और सीनियर सिटीजन्स के लिए डिफरेंट रेट होता है. इसी तरह अम्यूजमेंट प्लेसेस पर, म्यूजियम्स में, गार्डन पर भी, गार्डन में भी एज की बुनियाद पर डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट टिकट्स चार्ज किया जाता है. तो अगर एज की, उम्र की बुनियाद पर डिफरेंट प्राइसेस अगर चार्ज करता है कोई भी सेलर, तो उसे हम एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे. नेक्स्ट टाइप इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ए कमोडिटी. इट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल. अगर वाटर कनेक्शन बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए लिया जाए, तो उसके रेट्स अलग होते हैं. इसी तरीके से अगर उसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर हम वाटर कनेक्शन लेते हैं, तो उसका भी रेट अलग होता है. इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज. अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम लेते हैं फॉर द यूज ऑफ कमर्शियल पर्पस, तो उसका रेट अलग रहेगा. डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लेते हैं, तो उसका चार्ज अलग होता है. तो अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट है, तो उसे हम कहेंगे PD अकॉर्डिंग टू यूज. द नेक्स्ट टाइप इज सेक्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेक्स मीन्स लड़का या लड़की, मर्द और औरत. और अगर सेक्स की बुनियाद पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उसे हम सेक्स PD कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, करंटली दिल्ली में लेडीज के लिए बस के टिकट फ्री कर दिए गए हैं, लेकिन वही जेंट्स या कोई लड़का या कोई मेल अगर जा रहा है, बस से सफर कर रहा है, तो उसके लिए उनको बस के टिकट के चार्जेस देना होगा. देन नेक्स्ट टाइप इज स्पेशल सर्विसेज और कंफर्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. स्पेशल सर्विसेज और कंफर्ट सर्विसेज देने पर भी डिफरेंट प्राइसेस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज में AC कोचेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में स्पेशल सर्विसेज देने पर, कंफर्ट देने पर रेलवे के चार्जेस अलग हो जाते हैं. इसी तरीके से अगर आप एयरवेज से सफ़र कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास का, बिजनेस क्लास का और इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर अलग अलग होता है. उसके रेट्स, उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी क्लासेस में सीट्स हम देखते हैं कि छोटी होती है, उनको फूड वगैरह की क्वालिटी उनकी अलग होती है. लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको स्पेशल सर्विसेज दी जाती है, कंफर्ट दिया जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट उसमें स्पेशल टाइप का होता है, फूड डिफरेंट टाइप्स का होता है, और सफ़र करने वाले के हर आराम का ख्याल रखा जाता है. तो स्पेशल सर्विसेज और कंफर्ट की बेस पर भी डिफरेंट प्राइसेस एक मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है. उसके बाद नेक्स्ट टाइप इज साइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. साइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द साइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी कोई भी कमोडिटी खरीदने जाएं, अगर आप बल्क परचेस करते हैं, तो आपको लो प्राइस में मिलेगा, और अगर आप स्मॉल परचेस करते हैं, तो आपको हाई प्राइस देना पड़ेगी. इसी तरीके से हम आपका शॉपिंग के लिए, चाहे ऑयल खरीदें या टूथपेस्ट खरीदें, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसका रेट्स हाई रहेगा, और वही लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उसका रेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. उसके बाद टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. टाइम की बेस पर डिफरेंट रेट्स अगर चार्ज होते हैं, तो हम उसे
टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट के लिए अगर आप मॉर्निंग में एडवर्टीजमेंट होती है तो उसका रेट अलग होता है, कम होता है, और वही रात में 8 से 11 बजे तक अगर एडवर्टीजमेंट की जाए तो उसके रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। सो टाइम की बेस पर अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है तो उसे टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, हैप्पी लर्निंग।